माय नेम इज साक्षी तिवारी, मैं अनमोल का किरदार निभाता हूँ और आप लोग देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। जैसे कि हमने देखा कि आप अपनी मम्मी को लेके आए थे, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, आप उनको बिठा भी रहे थे? एक्चुअली हुआ ये कि मैंने ठान लिया है कि मैं रजत जी को ठीक करके रखूँगी और उसका सबसे पहला स्टेप है उनकी दारू की तलब को छुड़वाना। और उसके लिए मैंने ये प्लान किया कि जब एक माँ अपने बेटे को ऐसे देखते, मतलब जब वो देखते हैं कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, तब उन्हें कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब एक बेटा उसकी माँ के हाथ में दारू की बॉटल देखे तो उन्हें भी तकलीफ हो सकती है। तो मैंने सुनहरी माँ को यही बोला कि आप एक्टिंग कीजिए कि आप ड्रिंक की हुई हैं और फिर आप लोग बाहर जाइए, फिर अपने आप वो जब परेशान होंगे तो वो ड्रिंक करना छोड़ देंगे। तो मैंने उनको मतलब एक नकली दारू की बॉटल बनाकर दी जिसमें मैंने चाय पत्ती मिलाई थी, लेकिन बुआ जी ने वो चाय पत्ती वाली बॉटल हटाकर रियल दारू रख दिया था और सुनहरी रियल में ड्रिंक करी। अब हुआ ये, मैंने प्लान बनाया था कि वो यहाँ पर जब आएंगी पंडाल वगैरह में तो यहाँ पर घूमने वूमने का एक्टिंग करेंगे, बट ये सब रियल में होने लगता है और वो सच में ड्रिंक कर लेती हैं और फिर दीवू को कोई किडनैप कर लेता है। और इसकी वजह से मुझे फिर बाद में जब पता चलता है कि सच में दारू पी लिया माँ ने, तो मैं फिर भाग दौड़ कर आती हूँ पंडाल में और माँ को वैसे घूमने देती हूँ। इन महाशिवरात्रि का भी जिस तरीके से कल महाशिवरात्रि है और यहाँ भी हो रहा है, तो कितना एक्साइटमेंट लग रहा है आपको? एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, हमारी पूरी फैमिली शिव भक्त है। हालांकि मैं ज़्यादातर साई बाबा गणपति पापा को मैं बचपन से उन्हें ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन शिव जी ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ और मैं अब तीनों भगवान भी मानती हूँ और तीनों भगवान को बहुत खुश हूँ। और मेरा भाई जो है, छोटा भाई मेरा आज, उसने बाल शिव किया भी था सीरियल, तो वो भी बहुत बड़ा शिव भक्त है। तो मैं ज़्यादातर तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी कि मेरे को यहाँ शूट कराना है, लेकिन मैं फिर भी सुबह सुबह उठूँगी, पूजा करूँगी, मैं भगवान के ऊपर बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाऊँगी और अच्छे से पूजा करूँगी, अच्छे से विश मांगूंगी, अच्छे से प्रार्थना करूँगी, सब कुछ करूँगी और उन्हें धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है सीरियल में काम करने का, इतना अच्छा रोल प्ले करने का। और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ क्योंकि आज मैं शिव जी बनने भी वाली हूँ, मैं शिव जी का गेटअप भी लेने वाली हूँ। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि शिवरात्रि के एक दिन पहले आप शिव तांडव भी कर रहे हो और शिव जी का गेटअप ले रहे हो। तो मैं धन्य हूँ जो शिव जी ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाई है और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि शिव जी मेरे ऊपर ऐसी प्रार्थना करें। लास्टली फैंस के लिए क्या बोलना चाहिए? मैं फैंस के लिए ये कहना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना सारा प्यार और इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अनमोल, रजत और सुनहरी, दिव्या सर, सबको इतना ही प्यार देते रहिए और हमारा सीरियल देखते रहिए। और मैं ये दावे के साथ कहती रहूँगी कि आप कि हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे और आप कभी भी बोर नहीं होंगे। और हाँ, वोटिंग लाइन शुरू हो चुकी है तो दंगल TV ऐप पर आप जाइए और वहाँ पर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस पर जब जाएंगे, कम्युनिटी पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पोल मिलेगा, तो मेरे लिए वोट कीजिए और देखिए कौन जीतता है।